जय श्रीमन्नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, श्लोक 20। न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च अप्रियं स्थिरबुद्धिः असम्मूढः ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को कर्म संन्यास योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन प्रबुद्ध शिक्षकों से आत्मा के वास्तविक स्वरूप को सीखो, विद्वानों के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करो, फिर तुम जो भी शरीर देखते हो तुम्हें उन्हें केवल आत्मा को देखना चाहिए। अपनी दृष्टि को केवल आत्मा तक ही सीमित मत रखो, सभी शरीरों में आत्माओं को देखने की आदत विकसित करो। यह समझें कि सभी आत्माएं ज्ञान के रूप में हैं और इसके कारण सभी आत्माएं समान हैं। इस एहसास के साथ तुम्हारी सभी आत्माओं के बीच समान दृष्टि होनी चाहिए। यह सब ध्यान में रखते हुए आत्मदर्शन आत्म साक्षात्कार प्राप्त करो और इसे प्राप्त करने के लिए व्यायाम करते रहो। इस भ्रम को दूर करें कि आत्मा स्वयं शरीर है। आत्मबोध अथवा आत्मा को प्राप्त करने के लिए आपके पास एक मजबूत संकल्प, एक स्थिर मन और बुद्धि होनी चाहिए। फिर कुछ ही समय में आत्मदर्शन का लक्ष्य आपके लिए सबसे प्रिय हो जाता है। वर्तमान और पिछले जन्मों के पिछले कर्मों के प्रभाव के कारण आपने वस्तुओं के प्रति आराधना या उपेक्षा विकसित की है। अब यह लक्ष्य आत्मदर्शन या आत्मबोध आपके लिए सबसे प्रिय बन गया है। जब भी आत्मा के अलावा अन्य वस्तुएं जिनकी आप पूजा करते हैं वे आपकी ओर आकर्षित होती हैं तो आपको उत्साह से अभिभूत नहीं होना चाहिए। जब भी आत्मा के अलावा अन्य वस्तुएं जिन्हें आप पसंद नहीं करते वे आपके करीब आती हैं तो आपको टूटना नहीं चाहिए और उदास नहीं होना चाहिए। आपको अत्यधिक खुशी या दुख महसूस नहीं करना चाहिए और स्थिर भावनात्मक स्थिति बनाए रखनी चाहिए। इस प्रकार आपको आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हमें आत्मा के प्रति स्नेह विकसित करने और आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए समझा रहे हैं और वह यह भी बता रहे हैं कि अगर हमें वर्तमान और पिछले जन्मों के कर्मों के कारण वस्तुएं मिलती हैं या हम उनके प्रति आकर्षित होते हैं तो भी हमें उन वस्तुओं के प्रति अपने उत्साह से अभिभूत नहीं होना चाहिए और हमें केवल आत्मबोध प्राप्त करने के लिए ही प्रयास करते रहना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं का ध्यान करते हुए आइए हम अभ्यास करें और परमात्मा के शब्दों को यथावत दोहराएं। न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। श्रीमद् भगवद् गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा।
श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन्नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन्नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन्नारायण, जैसा आपने सलाह दी है हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन्नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन्नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन्नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं माम एकम शरणम व्रजा 1866 कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन्नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन्नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं, मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा सातवां वादा, हे श्रीमन्नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है, मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा आठवां वादा, हे श्रीमन्नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया, मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन्नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अधिक विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन्नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूंगी और केवल आपके लिए काम करूंगी। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है श्रीमन्नारायण मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। न प्रहुरुष्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च अप्रियं स्थिरबुद्धिः असम्मूढः ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। ॐ न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सभी भक्तों से विशेष निवेदन,
हमारे जीवन में सभी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायण अस्त्रम पढ़ें। नारायण अस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायण अस्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो www.narayanastram.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायण अस्त्रम PDF प्राप्त होगा। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम है। इन तीनों को मिलाकर नारायण अस्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायण अस्त्रम को पढ़ता या सुनता है, संपूर्ण रामायण पारायण का एक दौर, श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 राउंड, श्री विष्णु सहस्र नाम स्त्रोत्र पारायण के 24 राउंड हर रोज पूरे होते हैं। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायण अस्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन्नारायण।